छिपी होती है बहुत सारे दिन और रात की मेहनत। और लोग जब रिजल्ट आता है तो किस्मत अच्छी है कह के उसे सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने कल IBPS RRB PO के लिए फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। उनके लिए सबसे पहले तो बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आगे के लिए तैयारी कैसे करें, अब इंटरव्यू के लिए क्या हमें अप्रोच रखनी चाहिए? जब आप लोग के इंटरव्यू की सुना तो मैंने थोड़ा सा अपना इंटरव्यू रिकॉल किया 2015-16 वाले सेशन का। और फिर जब रिकॉल कर रही थी ना मेमोरीज को, जब आप रिकॉल करो तो सारी चीजें निकल के आती हैं। तो मैं अपना ये देखने लगी कहाँ कहाँ मेरे रखे हुए हैं ये जो इंटरव्यू वाले प्रिंट आउट थे, तो उसमें से मुझे एक क्लैरिकल वाला मिला जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। देखिए ये मेरा पेपर सेकेंड क्रैक हुआ था, लेकिन RRB से भी पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो IBPS क्लर्क का था 15-16 में। मैंने आपको पहले भी बताया है प्री मेंस नहीं थे, एक एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू क्लरिकल में भी होता था। तो मैंने बैक टू बैक सारे एग्जाम्स उस ईयर के क्रैक किए थे। तो उसमें मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो इसका था, IBPS क्लर्क का। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और देखिए सबसे पहले तो आप लोग भी ये वाली खुशी महसूस कर रहे होंगे जो यहाँ लिखा आता है, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज, स्कोर ऑप्टेन बाय यू इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल थ्रू क्वेरी बेस्ड सिस्टम, ये सारी चीजें है ना। तो ये वाली खुशी का कोई भी कंपैरिजन किसी खुशी से नहीं है एक एस्पिरेंट के लिए जो किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहा होता है। वो ये वाला जो कॉन्ग्रेचुलेशन होता है ना, मुझे तो लगता है ये शादी वाले कॉन्ग्रेचुलेशन से, ये हर एक कॉन्ग्रेचुलेशन से सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन होता है एज आई फील। ठीक है ना, और आपकी क्या फीलिंग्स हैं ये बिल्कुल शेयर करिएगा कॉमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के लिए। देखिए सबसे पहली चीज है, सबकी जर्नी अलग होती है, सबके इंटरव्यू पैनल अलग होते हैं। आप अगर ये सोचो कि थियोरिटिकल वही सवाल आपको मैंने बता दिए या 10 लोगों ने बता दिए कि हमसे ये सवाल पूछे गए थे, देखिए सवाल कभी सेम नहीं हो सकते हैं। हर पैनल का अपना सोच है, हर पैनल का अपना तरीका है इंटरव्यू लेने का। इंटरव्यू के लिए मेन चीज देखिए क्या है, सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखिए वो लोग जानते हैं कि इतने सारे बच्चों को जब हम पीछे छोड़ के आए होते हैं तो किताबी ज्ञान तो हमें है, यानी कि जो नॉलेज हमें चाहिए थी, कि स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, नॉलेज चाहिए अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, वो सब जानते हैं कि हम जब लाखों बच्चों को बीट करके कुछ चुनिंदा बच्चे चुने जाते हैं तो वो थ्योरिटिकल सवालों से ज्यादा हमारे प्रैक्टिकल माइंड को जानने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू का सबसे मेन रोल यही रहता है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, कोई और आपको क्वेश्चन बताए तो जरूर आपका हो ही नहीं सकता पॉसिबल कि वो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इंटरव्यू के लिए मेन पहलू देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना, जो ना आए उसे जल्द ही बोलते हुए आगे बढ़ जाना। ऐसा नहीं है आप सवाल में अटके रहे और वहीं पे आप होपलेस होने लगे कि याद नहीं, ये नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा करना है, बिल्कुल चिल रहना है। जो आंसर आपको आता है बहुत आसानी से आराम से उसका आंसर करिए। जो लगता है कि मुझे ये वाला आंसर नहीं आता है तो उसका बहुत ज्यादा टाइम वहां वेस्ट मत करिए, क्योंकि जितना टाइम आप ले रहे हैं ना उतना सामने आप नेगेटिव हो रहे हैं, कि मतलब आप अपनी हरकतें बता रहे हैं कि आप होपलेस हो रहे हैं या आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं आता नहीं आता, लेट इट बी 100%, सबको नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको आता है तभी तो यहां तक आए हो ना। तो आगे के लिए अगर कुछ चीज नहीं आ रही है तो इंटरव्यू को डील करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि देखिए मैं आपको एक दो चीजें बताऊं अपने इंटरव्यू की। मैं कासगंज से बिलोंग करती हूँ, आप देख ही रहे होंगे मेरे इसमें भी एकलव्य एकेडमी कासगंज लिखा हुआ है। तो जब मेरा ना एक आगरा में पढ़ा था एग्जाम इंटरव्यू, तो आगरा में जब सब लोग इंटरव्यू दे दे के निकल रहे थे तो मैंने सबसे पूछा क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्यूरियोसिटी होती है ना क्या पूछा जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि पता है अपने शहर के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं आगरा मथुरा। तो मैंने सोचा कि ठीक है शहर के बारे में, मैं फ्री बैठ गई, मैंने कहा इसके बारे में तो मुझे सोचना ही नहीं है, क्योंकि आगरा मथुरा की तो बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस है भाई, वो तो एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उससे तो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। मैंने सोचा मेरे कासगंज से क्या सवाल बनेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है इसका मतलब मुझसे तो ये पूछने नहीं वाले हैं, अब मेरे को तो पता ही नहीं, मुझसे तो अलग ही सवाल पूछे जाएंगे, अभी मैं टेंशन फ्री बैठती हूँ। देखिए जब मैं अंदर गई तो कुछ बैंकिंग के बारे में पूछा गया है ना, क्वेश्चंस तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मुझे याद है रेपो या इन रेट में से किसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पूछा गया था है ना, बैंकिंग के सवाल। मैं बायोटेक फील्ड से हूँ, मेरे बायोटेक फील्ड से सवाल पूछे गए थे।
अब सवाल मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं याद है क्योंकि सवाल रट के वैसे भी आप कुछ नहीं करोगे। हाँ, बैंकिंग से सवाल पूछे गए थे, मेरे बायोटेक ग्रुप से सवाल पूछे गए थे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया, और सबसे ज्यादा जब एक बात आई कासगंज, कहाँ से बिलोंग करती हो, कासगंज, मुझे लगा इससे तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। आपको पता है उन्होंने 3 से 4 सवाल फिर भी बना दिए मेरे कासगंज से। इसका मतलब समझते हो, केवल मैं आंसर कैसे कर रही हूँ उन्हें ये जानना था। हम अपने शहर में पले बड़े हैं और अगर ऐसा कोई सवाल पूछ लिया गया जो मुझे नहीं भी पता है तो मैं उसको डील कैसे करती हूँ। उन्होंने पूछा कासगंज से हो ना, कास शब्द का मतलब क्या होता है, क्यों पड़ा आपके शहर का नाम कास, कासगंज। लिटरली मैं बताऊं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता था, कभी किसी ने बताया ही नहीं ये वाली बात। बट कभी कभी देखिए यहाँ आती है प्रैक्टिकल नॉलेज काम। मैंने मम्मी की कुछ बातें रिकॉल की, जस्ट सेकेंड्स में, कुछ ही सेकेंड्स में मैंने ये सब रिकॉल किया कि काश शब्द मैंने कहाँ कहाँ सुना हुआ है, जो काश शब्द है। तो मैंने थोड़ा सा रिलेट किया तो पैनल में एक थे जो थोड़े से मोटिवेट कर रहे थे, बोले हाँ हाँ आप ठीक जा रही हो, ठीक बता रहे हो। तो फिर मैंने आंसर उसका करने की कोशिश की, ठीक है ना, काश की घास से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड वो। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन, उन्होंने बताया ठीक है आपका कासगंज शहर है ना, मुझे रैपिडली 5 ऐसे सुधार बताओ जो आपके शहर में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। 5 या 10, मुझे लगता है 10 पूछे थे, 5 नहीं, क्योंकि मैं 7 तक तो बहुत जल्दी बता दी थी, उसके बाद शायद मैं अटकने लगी थी। 6 7 मैंने बिल्कुल रैपिडली बता दिए थे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि कॉन्फिडेंस की मुझे में कभी कोई कमी नहीं रही है। फिर उसके बाद ठीक है, तो कासगंज से पहला सवाल हो गया काश शब्द, दूसरा सवाल हो गया फैसिलिटीज क्या क्या बढ़ाई जाए कि आपका शहर डेवलप हो, ठीक है आप छोटे शहर से आते हो। फिर तीसरा सवाल उन्होंने पूछ लिया, अच्छा कासगंज के पास एक बदायूं शहर पड़ता है, वो कितनी किलोमीटर से आपके यहाँ से। अब आपको लगता है ये बैंकिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, किसी से नहीं है ना। वॉट दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं चीजों को डील कैसे कर रही हूँ। मेरे सामने हर जोन के सवाल थे, बैंकिंग के थे, मेरे शहर के थे, बायोटेक के थे, मेरी फैमिली से थे, मैं किस तरीके से सारी चीजों को, सिचुएशंस को डील करती हूँ। और यही बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आप जब बैंकिंग में जाओगे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी काम करने की, आपको कैसे करना है, मतलब क्या क्या करना है, बट उसको आप कैसे डील करते हो, कोई पब्लिक डीलिंग का काम है बैंकिंग में बहुत ज्यादा, कोई किसी तरीके की सिचुएशन को आप कैसे डील करते हो, वो सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं वहां पे। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि बदायूं, तो मेरे फादर ऑफिस की बात है, वो तो बैंकिंग में खुद थे हमेशा से, और वो बदायूं जिले में ही हमेशा उनका अप एंड डाउन रहा घर से, तो वो तो हमें रटा हुआ था बचपन से ही सुन के, पैदा शायद बड़े हुए होंगे तो यही सुन के बदायूं बदायूं, पापा का रोज सजाना होता था, पता था। उसके बाद फिर बोलते हैं अच्छा एटा की तरफ से आए हो गए आप, आगरा से। मैंने कहा यस सर, मैं एटा होके ही आई हूँ आगरा का। ठीक है, तो एटा कितने किलोमीटर्स पड़ा आपके यहाँ से। अब मैं सोच रही यार ये क्या ही सवाल पूछ रहे हैं, मन में सोच रही थी सॉरी। तो उसके बाद मैंने बता दिया एटा 30 किलोमीटर से। आपको पता उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, अच्छा 30 किलोमीटर से एटा आपके यहाँ से, मतलब व्हाट दे वर ट्राइंग एट दैट टाइम कि मैं कंफ्यूज, मतलब अगर मुझे एकदम, मैं अच्छे से मुझे कुछ चीज पता है और सामने वाला अगर कोई सीनियर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मैं डरती कितनी जल्दी हूँ। उन्होंने बोला अच्छा 30 किलोमीटर से, तो मैंने बड़े स्माइल के साथ आंसर किया हाँ सर 30 किलोमीटर से, कि अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है आपको। मैंने कहा सर स्कूटी भगा देते हैं हम तो, मतलब स्कूटी से आते जाते हैं ना, तो इतना तो पता ही है ना सर पेट्रोल के लिए। तो वो हंसने लगे, है ना सब लोग। तो चीजों को हम डील कैसे कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। के बाद फिर उन्होंने पूछना शुरू किया अपने जनरल नॉलेज के सवाल, यानी कि अपने फील्ड बैंकिंग से हो गए, बायोटेक से हो गए, फैमिली बैकग्राउंड के हो गए, कासगंज से हो गए, है ना। अब मुझे बायो वाले और वो सवाल एग्जैक्ट, एक्चुअल में मैं शायद उससे हूँ ना बायोटेक से, तो मुझे याद है उन्होंने कोई कोई क्या पूछा था, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल जुबान पर रखा हुआ है बट निकल नहीं पा रहा। ऐसे कुछ प्रोसेस होती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछा था, है ना, मुझे पूरा तो नहीं याद है। एंड देन व्हाट ही आस्क कि हम कहाँ थे, हाँ फिर वो हमारे जनरल नॉलेज पे आए। आपको पता है मैंने कहाँ आके गलती करी, उन्होंने मुझसे जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा, मैंने सारे सवालों के लगभग जवाब दे चुकी थी अभी तक, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा जिले कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यूपी में, आप यूपी से हो ना, मैं हाँ यूपी में कितने जिले हैं। आपको पता है मेरे फादर ने ना मुझे अपनी ब्रांच और ये सब रटवा के भेजा था कि देखो अगर पूछेंगे ना फादर बैंकिंग बैकग्राउंड से तो हो सकता है पूछ लें,
कहाँ कौन सी कितनी ब्रांच, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब है कुछ भी, उसका मतलब होता है रिटेन का सिलेबस से रिलेटेड, इंटरव्यू का मतलब होता है कुछ भी पूछ लेना। तो उन्होंने पापा ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये ऐसे ऐसे बता देना अगर फादर के बारे में ऐसा पूछे ऐसा पूछे, क्योंकि वो खुद बैंकिंग बैकग्राउंड से थे। मैंने कहा ठीक है। अब आपको पता है कभी कभी रटी हुई चीजें ना आपके दिमाग में इस कदर बैठी होती हैं, आप सामने सुनना बंद कर देते हो वो क्या पूछ रहा है, आप बस अपना आंसर बताते हो। एट दैट पॉइंट मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट पूछे ना, मैं पापा की ब्रांच याद कर रही थी। अब आप खुद सोचिए, जनरल अवेयरनेस में, जनरल नॉलेज में डिस्ट्रिक्ट किसको नहीं पता होंगे। अगर मैं अपनी ही बात करूं या किसी की भी बात करूं कि यूपी में कितने जिले हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम में से तैयारी करने वाले को ना पता हो। मैं वहां पे गलत आंसर कर गई। हालांकि उन्होंने मुझे एक दो चांस दिया कि दोबारा से रिकॉल करो, गलत हो रहा है, इतने तो नहीं है। तो मुझे पता है क्या लगा उस टाइम, फिर मुझे क्या लगा, वो मुझे एटा वाली बात पे कंफ्यूज कर रहे थे ना, मैंने कहा ये मुझे मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, ये मुझे गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ठीक बोल रही हूँ। मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं गलती कहाँ कर गई हूँ, है ना। तो कभी कभी कोई कोई चीज, मुझे लगता है इंटरव्यू में माइंड बिल्कुल फ्री करके जाओ, चीजों को अगर रट के चले गए ना, कुछ का कुछ लिंक कर दो कि ये मैंने उस वाले इंटरव्यू से सीखा। अगर रट के ना जाती तो मेरे मुंह से एकदम निकलता अपने आप ही फ्लो में, क्योंकि यूपी के जिले मतलब फ्लो निकलता है भाई। लेकिन वहां फ्लो क्या निकला, जो पापा मुझे 2 दिन से रटा रहे थे बैंकिंग के बारे में चीजें बता रहे थे, है ना। ये भाई, ये मेरा एक ब्लैंडर था। हालांकि उससे इतना असर, हालांकि एक ही नेगेटिव पॉइंट था कि मुझे जिले भी नहीं पता, बट वो समझ गए कि समवेयर शी इज कंफ्यूज, क्योंकि मैंने और सवालों के बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे आंसर्स किए थे, वो चाहे बैंकिंग के हों, चाहे बायो ग्रुप से हों, चाहे अपने इस वाले मतलब कासगंज या कुछ भी जनरल से सवाल हों, अपने के कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए। बट वो एक मुझे आज तक लगता है, और मुझे हंसी भी आती है जब मैं सोचती हूँ कि सीरियसली मतलब मैंने जिले गलत बताए थे, मतलब कुछ बड़ी चीज गलत बताती तो लगता है भी कि ठीक है किसी को भी नहीं आता होगा ये तो, है ना। तो यहीं पे मेरे एक फ्रेंड थे, देखिए मैंने तो इंटरव्यूज फिर 16 के बाद ज्यादा एग्जाम्स ही नहीं दिए, बट वो कंटिन्यू बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जो उन्होंने क्रैक नहीं किया। वो मेरे ही साथ मेरे घर में रहते थे एज अ टीन एंड, तो वो SBI, IBPS, PO, मतलब ऑलरेडी वो बैंक में थे, POB में क्लर्क थे। उसके बाद उन्होंने जितने भी POs के इंटरव्यू थे दिए थे, तो मैं उनसे एक्सपीरियंस पूछती थी इंटरव्यू का। आपको पता है हर एक इंटरव्यू, हर एक एक्सपीरियंस अलग था। वो कहते थे जब मैं किसी इंटरव्यू में जाता हूँ ना, मैं पुरानी चीजें भूल के जाता हूँ, क्योंकि वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पैनल अलग होता है, उनके तरीके अलग होते हैं, उनके क्वेश्चंस अलग होते हैं, बस मैं कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ, मुझे आता है, जो भी पूछेंगे मैं बता दूंगा, जो नहीं आता वो मैं मना कर दूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा जितना बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे यही बात बताई कि आप इंटरव्यू के लिए मेंटली ऐसे प्रिपेयर होके नहीं जा सकते हो कि यही पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है। रिटेन में फिर भी सिलेबस होता है, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। वो आपके कंप्लीट पैकेज, आप किस तरीके के इंसान हो, चीजों को कैसे डील करते हो, ये जानने के लिए होता है। तो यहां तक का सफर, मतलब एक इंटरव्यू की चीजें मैंने आपसे शेयर करी, इसमें सारी इकट्ठी चीजें नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट का नेक्स्ट में बताऊंगी कभी, ठीक है ना। तो यहां तक मैंने आपको क्या समझाया, आप समझने की कोशिश करिए, बस बी कॉन्फिडेंट, आपकी जो तैयारी है उसे और आगे ले जाइए, बाकी रट के कुछ नहीं जाना है। माइंड में कुछ भी अंदर जब आप रूम में जाओगे ना, तो सब बाहर छोड़ के जाना है, अपना सारा एकदम इकट्ठा पजल वाला जो हम सब रट लेते हैं, फिर जो जो आता जाएगा थोड़ा सा बैकअप लेके आप बताते जाओ, ठीक है ना। बाकी किसी को कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो बैंकिंग के रिलेटेड, वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तैयारी करिए IBPS, RRB, PO मेंस के लिए। फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सबको, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, फॉर बींग अ पार्ट ऑफ अपकमिंग इंटरव्यूज, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।